की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं और ऐसे में वहां पर आपका अकाउंट सस्पेंडिंग का लिमिट का ऑप्शन आ रहा है तो वो आखिर क्या है और उस प्रॉब्लम को आखिर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। चलिए भाई, इंस्टाग्राम को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करता हूँ, अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट टूल्स। उसके बाद में यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये बूस्ट मोर पोस्ट, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम है क्या और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि जो भी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पर अपना ऐड लगाया है तो उसकी जो लिमिट है वो वहाँ पर समाप्त हो चुकी है, तो इसी वजह से वो आपका यहाँ पर अकाउंट है वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, यानी कि सस्पेंडिंग लिमिट है, ठीक है। तो वो जो कितनी लिमिट थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आखिर आपने कितने पैसे यहाँ पर लगाए थे, जो भी आपने रील बूस्ट के लिए लगाई थी, ठीक है। इसी के साथ में चलिए मैं आपको यहाँ पर बैक करता हूँ, तभी आपको यहाँ पर समझ में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बूस्ट मोर पोस्ट, ठीक है, बूस्ट मोर पोस्ट। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट, तो वही आपका, यानी कि जो आपने बूस्ट के लिए अपनी रील लगाई थी उस पर जितने भी आपने पैसे दिए थे प्रमोट करने के लिए, वो पैसे आपके ख़त्म हो गए हैं और इसी वजह से वो आपका अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब ऐसे में क्या है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पर सस्पेंड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये हैं जो आपने ऐड लगाए होंगे, जैसे कि हमने वीडियो बूस्ट करवाई थी इन्हें पैसे देकर, ठीक है। चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कितने इम्प्रेशन पड़े हैं, कितने लोगों के बीच में इसने भेजी है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी वीडियो पर कितने लाइक्स आए थे, मैंने यहाँ पर कम पैसे खर्च किए थे, मैंने अन्य वीडियोज़ पर ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, ठीक है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रीच है कितने लोगों के बीच में पहुँची है और इसी के साथ में वेबसाइट पर लोग कितने पहुँचे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लेयर आप देख सकते हैं जो कि क्लिक किए हैं लोगों ने, ठीक है, हमारी वेबसाइट पर जाकर। और यहाँ पर जो कि लाइक्स कमेंट आप यहाँ पर सब कुछ देख ही सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पैसे लगाकर अपनी वीडियो को बूस्ट करवाते हैं और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो रील वाला अकाउंट था, जो भी आपने बूस्ट के लिए पैसे खर्च करे थे, वो यहाँ पर आपके पैसे ख़त्म हो चुके हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो अकाउंट सस्पेंडिंग लिमिट का ऑप्शन है वो दिखा रहा है। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आप हटा देते हैं इन सारी रील्स को तो आपका यहाँ पर ये डाटा अपने आप बंद हो जाएगा और ये नहीं दिखेगा सस्पेंडिंग लिमिट का ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।